नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। शराबी पति ने टीचर पत्नी की चाकू से काटी गर्दन। मेरा डोला नहीं आया डोला गाने पर दिखे सिडकियारा की जयमाला। संजय राउत ने फडणवीस को लिखा पत्र। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शराबी पति ने टीचर पत्नी की चाकू से काटी गर्दन, शरीर पर किए कई बार, ग्रामीणों में आक्रोश। जी हां, जबलपुर में शराबी पति ने पारिवारिक विवाद के कारण शिक्षण पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी खुद को कमरे में बंद कर लिया और पड़ोसियों को धमकाता रहा। जी हां, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। SDOP लांजी दुर्गेश आर्मो से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना आ बहेली लांजी थाना अंतर्गत ग्राम अमेरा निवासी दुर्गा प्रसाद बावनकर अद्यतन शराबी तथा बेरोजगार था। जी हाँ, उसकी पत्नी सरला प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। उसकी दो बेटियां हैं। जी हाँ, जिसमें से एक बालाघाट में रहकर पढ़ाई कर रही है, दूसरी बेटी उनके साथ रहती है। पत्नी पति के बीच अक्सर पारिवारिक विवाद होता रहता था। गुरुवार रात लगभग 8 बजे पारिवारिक विवाद के कारण पति ने चाकू से 5-6 वार किया तथा गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद उसने खुद के कमरे में बंद कर लिया। घटना की जानकारी लगने पर पड़ोसी खिड़की से देखते तो आरोपी युवक उन्हें मारने की धमकी देता। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मेरा डोला नहीं आया डोला गाने पर दिखे सिडकियारा की जयमाला, वायरल हुआ वीडियो। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अब शादी के बंधन में बन चुके हैं। 7 फरवरी को सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी के 7 फेरे लिए हैं, जिसके बाद एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शादी के तस्वीरें को शेयर किया, जिस पर फैंस को लेकर सेलेब्स तक सभी न्यूली मैरिड कपल को बधाइयां दे रहे हैं। जी हाँ, उसकी शादी की तस्वीर उनके फैंस को बेहद पसंद आई है। उनके इस वेडिंग तस्वीरों को अब तक 1,43,00,000 से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं। वहीं अब एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने जयमाला का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो दुल्हन के जोड़े में खुले आसमान के नीचे सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने उन्हें गले में वरमाला डालने के ऊपर से पुष्प वर्षा होने लगती है, जिसके बाद कपल रोमांटिक होते हुए एक दूसरे को लिप लॉक करते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में उनकी फिल्म शेरशाह का गाना चुप है माही चुप है रांझा बज रहा है। उनके इस जयमाला का वीडियो उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। 2 घंटे पहले ही शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 26,00,000 से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं। गौरतलब है कि सिद्धार्थ और कियारा ने दिल्ली में 9 फरवरी को अपनी शादी का पहला वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया। वहीं अब कपल 12 फरवरी को कपल मुंबई में अपना दूसरा वेडिंग रिसेप्शन होस्ट करेंगे। संजय राउत ने फडणवीस को लिखा पत्र, कही ये बड़ी बात। जी हां, महाराष्ट्र से मिली बड़ी खबर के अनुसार अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने पत्र लिखकर रत्नागिरी में पत्रकार शशिकांत वरिष्ठ की हत्या के मामले को सूक्ष्म रूप से देखने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि पत्रकार शशिकांत वरिष्ठ को सोमवार को एक SUV ने कुचल दिया था, जिसे कथित तौर पर जमीन कारोबारी पंडरनीनाथ अंबरलाल चला रहे थे। वरिष्ठ की अगले दिन अस्पताल में मौत हो गई। इस हत्या के विरोध में बीते गुरुवार को मुंबई भर के पत्रकार मंत्रालय में गांधी जी के प्रतिमा के पास एकत्रित हुए थे। जी हां, विरोध में भाग लेने वालों ने कहा कि हत्या में शामिल लोगों के साथ साथ इसके पीछे की बड़ी साजिश को एक विशेष जांच दल SIT के माध्यम से उजागर किया जाना चाहिए और आरोपी के पर कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही विधि मंडल और मंत्रालय पत्रकार संघ के सचिव प्रवीण पुरो ने वरिष्ठ के परिजनों को 50,00,000 रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की थी। ऐसा भी आरोप है कि अंबरकर इलाके में हर उस व्यक्ति को धमकी देता है जो क्षेत्र में प्रस्तावित रिफाइनरी के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध करता था। जी हां, अंबर
अंबरकर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अंबरकर के खिलाफ वरिष्ठ द्वारा लिखा गया एक लेख घटना की सुबह एक स्थानीय मराठी अखबार में छपा था। उस वक्त मुंबई में से लगभग 440 किलोमीटर दूर राजापुर में एक पेट्रोल पंप के पास हुई थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।